स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। आप किशमिश खाते हैं? किशमिश एक्चुअली काफी ज्यादा मीठी होती है और उसी के साथ लोग उसको खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। क्या आप लोग को पता है कि किशमिश खाने के काफी सारे फायदे भी होते हैं? तो कुछ लोगों को शायद उन फायदों के बारे में पता भी होगा और कुछ लोग शायद उनसे काफी ज्यादा अनजान हो गए। तो चलिए हम लोग आज आपको बताते हैं किशमिश के आप अगर आप सेवन करते तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और आपको भी किशमिश के और भी ज्यादा फायदों के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए उसके बारे में, कि दूसरे लोगों को भी उसके बारे में पता चले और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करती हूँ आज की न्यूज। सो गाइस, किशमिश एक्चुअली काफी ज्यादा मीठी होती है और किशमिश को ड्राई किशमिश भी होती है और एक लिक्विड मतलब कि गीली किशमिश भी होती है। और अगर आप मतलब कि ड्राई किशमिश खा रहे हैं तो उसके तो फायदे काफी सारे होते ही हैं और उसी के साथ अगर आप गीली किशमिश खा रहे हैं तो उसके भरपूर फायदे होते हैं। और अभी त्योहारों का मौसम आ रहा है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह घर पे आते हैं और उसी के साथ किशमिश वगैरह भी आती है, बादाम आते हैं और काजू आते हैं और पिस्ता आता है और ये किशमिश आती है और काफी ज्यादा अलग अलग फ्रूट्स भी आते हैं जिसको खाना आप पसंद करते हैं। और उसके साथ ही जो जिम करते हैं और जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और बच्चों को भी देते हैं सब घरों में कि वो ड्राई फ्रूट खाएं और हेल्दी रहें, और इस चीज से हेल्दी भी रहा जाता है। तो अगर आप गीली किशमिश खा रहे हो तो आप लोगों का जो पाचन तंत्र है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आपको पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं आती है। कुछ लोग अगर खाना वाना खाते हैं तो उनको टैबलेट लेनी पड़ती है, उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आ जाती है, उनका खाना अच्छे से पच नहीं पाता और मॉर्निंग अच्छे से टॉयलेट नहीं जा पाते। अगर वो किशमिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तब उनका पेट और उनका जो खाना है वो अच्छे से पेट में पच पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि किशमिश में पोटेशियम, मैग्नीशियम और भी काफी सारे ऐसे आयरन और भी काफी सारे ऐसे विटामिन हैं और ऐसी चीजें हैं कि आपको आपकी बॉडी के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद है कि शायद आपको पता नहीं है उसके बारे में। और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपके लिए ये किशमिश खाना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम आपको बता रहे हैं कि जैसे गीली किशमिश होती है उसमें कैलोरीन काफी ज्यादा होती है, तो कैलोरीन काफी ज्यादा होने के कारण गीली किशमिश को ज्यादा सेवन ना करें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि अगर आप कैलोरीन का ज्यादा सेवन करते तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। किशमिश खाने से जो एनीमिया की बीमारी होती है अगर आप इसका सेवन करते हो तो वो भी बीमारी आप में नहीं पनपती है। और उसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सर्दी, जुखाम या फीवर ऐसे घूम घूम के आता रहता है बॉडी में, अगर वो किशमिश का सेवन कर रहे हैं तब उनको ये घूम घूम के बीमारी नहीं आएगी और काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्दी भी रहेंगे। और एक बात, अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो उस वक्त अगर आप किशमिश का सेवन कर रहे हैं रोज अपनी डाइट में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं किशमिश को, आप बहुत जल्दी एक महीने में ही अपना वेट बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है आप लोगों को, क्योंकि ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। आयरन इसमें होती है और पोटेशियम और काफी सारे ऐसे तत्व है और जो कि आपकी बॉडी के लिए एकदम सही होता है। सो आई होप गाइस इसके बारे में जान के, किशमिश के बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको भी इसके बहुत सारे भरपूर फायदों के बारे में पता है जो कि मैंने आज की न्यूज में आपको बताया नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को और को भी पता चले कि एक्चुअली किशमिश के और कितने सारे फायदे हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ News।